स्वागत इसी सन्मान्य मुख्यमंत्री स्वागत बसवराज सुंदर संजय कार्यक्रम जगज्योति विश्व बंधु बसवण्णनवर प्रतिमे इन कड़े नाड प्रभु बेंगलूरन्ना निर्माण श्री नाडप्रभु केंपेगौड़ प्रतिमे अनावरण माड़ दिन बर्तदे अंत यारू कूड़ा निरीक्षे अंत काल कूड़ी बंदिदे अंत काल नावेल्लरू कूड़ा भागवहिसिद्देवे अंतंद्रे इदु निजवागलू कूड़ा ओंदु अमृत गळिगे अंत ननगे अनिसुत्ता इदे ई ओंदु कार्यक्रमदल्लि भागवहिसुवक्के बंदिरुवंत नम्मेल्लर नेच्चिन नायकरु आधुनिक वल्लभभाई पटेल ख्याति राष्ट्र कंडंत अत्यंत दक्ष गृह सचिव कर्नाटक बग्गे विशेषवागिरुवंत प्रीति इरुवंत अमित शाह अवरिगे निम्मेल्लर परवागि मत्तोम्मे स्वागतवन्नु माड्ता इद्देने इवत्तु नम्मेल्लर हिरियरु मार्गदर्शकरु निकटपूर्व मुख्यमंत्रीगळु कर्नाटकद अभिवृद्धिय हरिकारुरु सन्मान्य श्री बी एस यडियूरप्प साहेबरे परम पूज्य आदिचुंचेरी मठद निर्मलानंद महास्वामीजीवरे सुत्तूरिन दशकेंद्र महास्वामी शिवरात्रि दशकेंद्र महास्वामी हागू इवत्तु भागवहिसिरुवंत एल्ला परम पूज्यरे तुमकूरिन सिद्धलिंग महास्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महास्वामी मत्तु परम पूज्य वचनानंद महास्वामी परम पूज्य मादर्चनय स्वामीजीवरे परम पूज्य नंदादूत महास्वामी परम पूज्य चंद्रशेखर महास्वामी नन्न सचिव संपुटद सौदुगळंत अशोक रे सीसी पाटील रे अश्वथ नारायण रे गोविंद कारजोळ रे मुरुगेश निराणियवरे हागू संसद सदस्यरादंत पीसी मोहन अवरे तेजस्वी गौड़े एल शासक मित्ररे नेरेदिरुवंत एल आत्मीय अण्ण तम्मंदिरे अक्क तंगिरे माध्यम स्नेहितरे योग योग ई केलस कर्नाटक राज्य आद मोदलने 10 वर्षदल्ली इदागबेकायितु ई नाडिन श्रेष्ठ आडळितगारु तत्वज्ञानिगळु समानते हरिकारु कायक एंबुव पदक्के निज अर्थवन्न कोट्टवरु विश्वबंधु बसवण्णनवरु ओंदु कडे यावु बेंगळूरिनल्लि शक्ति सौध निर्माण आगिदे यावु बेंगळूरिनल्लिंद इडी राज्यद आडळित नडेयता इदे यावु बेंगळूरु इवत्तु इडी राज्यक्के बहळ दोड्ड आर्थिक शक्तियन्न तुंबुत्ता इदे यावु बेंगळूरु अंतरराष्ट्रीय नगर आगिदे यावु बेंगळूरु सुसंस्कृतवागिरुवंत नगर आगिदे यावु बेंगळूरु गार्डन सिटी अंत नावु करितेवे अदर निर्मातरागिरुवंत केंपेगौडरु विधानसभे मुंदे प्रतिमे इरुवंतद्दु अत्यंत सत्य सरल सहजवागि आगबेकागित्तु आदरे इष्टु दिवस तेगेदुकोंडिदेवल्ल अंत हेळि नान यारनू कूड़ा इदरली दोष माडक होगुदिल्ल आदरे नम्म नम्म आत्म साक्षिगळिगे अदन्न बिडतेने अन्नुवंत मातन्न नानु हेळक्के इच्छे पडुत्तेने बंधुगळे ई शक्ति केंद्र प्रजाप्रभुत्वद ओंदु संकेत ಪ್ರಜೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸದ ಭವನ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ अत्यंत मदल हेकोल्तर अदिंत नूरारू वर्ष मुंचे अनुभव मंटप इवत आधुनिक अनुभव मंटपदली आवत्तिन अनुभव मंटपद मौल्यगळु आवत्तिन अनुभव मंटपद बदुकु कट्टुवंत वैचारिकते
ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಳಬೇಡ ಕುಳಬೇಡ ಉಸಿ ನುಡಿಲು ಬೇಡ ದೇವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಅಗಲ ಕಂಡರೆ ಕರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಮನಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಎದುರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಡು ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಪ್ರಭು ನಾಡಿನ ಪ್ರಭು ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ನದಿ ತಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಾರಿರುವಂತಹ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ತಂದವರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂದಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 500 ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 400 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ 400 ಶ್ರೇಷ್ಠ R&D ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಾಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಕೇವಲ 75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ 75 ದಿನಗಳು ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಜಾನ್ವಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ BD ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶಿವರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹಗಲಿರಲು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 108 ಫೀಟಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಶ್ವತ್ಥನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ನೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವೈತೇವೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆವತ್ತು ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಎಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಂಗ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳು ಬೇರ್ಪಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಹಾವಳಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಕ್ಸಲೈಟ್ರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಹಸ್ತದಿಂದ
ಇಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕ ಕೊಡದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾಡಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಾದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸದಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ Shri Amit Shah ji for his presence, for inaugurating, and kindly open the mobile and let's thank Shri Amit Shah ji. Iga ellaru paravagi deviyar sajjano ab main nivedan karunga Shri Amit Shah ji daivittu avaru nammanna uddeshisi maatnadtaga. Amit Shah ji avarige, Narendra Modi avarige, Amit Shah ji avarige, Narendra Modi avarige, ellaru torch light ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡು. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಬೋಲಿಯೇ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಕ್ಯೂ ಭಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಲೋ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಕೋ. मोदी जी ने PA5 पर बैन लगा दिया. आप जरा दम के साथ बोलिए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की. मंच पर उपस्थित कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय BS येदुरप्पा जी, डॉक्टर निर्मला नंदनाथ जी, महास्वामी आदि चुनचुनगिरी मठ, श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी सुत्तूर मठ, श्री 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 विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी पेंजावर मठ, श्री श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी सिद्धगंगा मठ, श्री श्री वचनानंद स्वामी जी, श्री नजाम दूत स्वामी जी, श्री मद्रा चेन्नैया स्वामी जी, श्री चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी, यहां पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, आज जो दोनों महापुरुषों का अश्वारूढ़ प्रतिमा यहां पर लगा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आर अशोक जी और समग्र बेंगलुरु से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम. आज बेंगलुरु विधानसभा कर्नाटक विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन. आज कर्नाटक विधानसभा के प्रांगण में दो ऐसी मूर्तियों का अनावरण हुआ है जिन्होंने न केवल कर्नाटक, समग्र जगत के अंदर भारत और कर्नाटक का संदेश पहुंचाने का काम किया है. एक तो जगत ज्योति बसवन्ना का पूरा मूर्ति लगाया गया है और एक नाद प्रभु केंपेगौड़ा का मूर्ति लगाया गया है. ये दोनों प्रतिमाएं विधानसभा में भविष्य में जो जो भी विधान सदस्य चुनकर आएंगे उनको सामाजिक न्याय, जो जगत ज्योति बसवन्ना का मुख्य संदेश था, लोकतंत्र,
जिसकी स्थापना जगत ज्योति बसवन्ना ने की और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जिसकी शुरुआत नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ने की, इसका हमेशा के लिए संदेश ये विधानसभा से जाने वाला है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये पुण्य कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, जगत ज्योति बसवन्ना का पूरा यहां पर जो मूर्ति लगा है, प्रतिमा लगा है, वो प्रतिमा समग्र जगत को संदेश देगा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत से ही लोकतंत्र शुरू हुआ है। 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप के माध्यम से समाज के नीचे से नीचे तबके से लेकर समाज के उच्च से उच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों को एक मंच प्रदान कर समाज की सशक्तिकरण के लिए चर्चा करने का साहस उस वक्त उस जमाने में जगत ज्योति बसवन्ना के अलावे किसी के मन में नहीं था। महिलाओं को भी उन्होंने समान स्थान दिया, अनेक समाज की माताओं ने अनुभव मंडप के अंदर अपने अपने विचार प्रकट किए और उसका सम्मान भी हुआ। बसवन्ना ने हमें दसोआ की अवधारणा भी सिखाई और कई सारे समाज सुधारों को उन्होंने समग्र जगत के लिए व्याख्यायित किया। आज भी वचन आदर्श जीवन कैसा हो सकता है उसको अगर समझना है तो बसवन्ना के वचनों के आधार पर ही जीना पड़ेगा। आज ये मूर्ति जो लगी है, मैं मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि आपने केवल विधानसभा नहीं, समग्र विश्व में जो लोकतंत्र में श्रद्धा रखते हैं वो सभी लोगों का सम्मान बसवन्ना की मूर्ति को यहां लगाकर किया है, इसका आपके आप दोनों को बहुत बहुत मैं बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, नाड प्रभु केम्पेगौड़ा ताकत आवाज में नहीं होती, विचार में होती है, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं उगती है। अगर ये वाक्य को ढंग से समझना है कि इस प्रकार से अपने विचारों से युगों तक एक कंक्रीट काम की नींव डाल सकते हैं, इसका उदाहरण अगर कहीं ढूंढना है तो बेंगलुरु के रूप में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को समझना पड़ेगा, तब जाकर ये उदाहरण हमारे सामने आएगा। सम्राट अच्युत राय के समर्थन से केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु की मजबूत नींव रखने का फैसला किया, बेंगलुरु को सरोवरों का शहर बनाया और बेंगलुरु के अंदर सैकड़ों झीलों का निर्माण कर पानी के महत्व को समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का काम केम्पेगौड़ा ने किया। और आज बेंगलुरु का जो वैश्विक स्वरूप हम देख रहे हैं उसकी नींव यही महापुरुष ने रखी थी। आज कर्नाटक विधानसभा के सामने एक और जगत ज्योति बसवन्ना और एक और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति हमेशा ये विधानसभा में चेतना का निनाद जगाए रखेगी, इसकी मुझे पूरी श्रद्धा है। मित्रों, आज नम्मा बेंगलुरु हब्बा समारोह का समारोह भी हो रहा है। नम्मा बेंगलुरु हब्बा 2023 ये बेंगलुरु के अंदर कई कलाकारों को, लेखकों को, सेफ को, संगीतकार को, संस्कृति के पुजारियों को और अनेक लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मंच बना है। और ये जो शुरुआत हुई है, मैं तो आज कहना चाहूंगा इसको सालों सालों तक हर राज्य ने अपने यहां चालू रखना चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों,
जब मैं यहां आया हूं तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले श्रीमान येदुरप्पा जी और बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बसवराज जी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक टीम इंडिया के भाव से कर्नाटक के विकास में ये 4 साल में पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा। एफडीआई में आज कर्नाटक समग्र भारत में सबसे पहले स्थान है। सरकार 2.72 लाख का कंक्रीट निवेश जुटा पाई है। कर्नाटक को वर्ष 2022 में DPIIT द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सरलता के लिए समग्र देश में पहला नंबर मिला है। बेंगलुरु में एक अरब डॉलर से अधिक संपत्ति के 39 स्टार्टअप है। भारत के स्पेस सेक्टर में कर्नाटक की हिस्सेदारी 25% है। आज इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। डिफेंस एयरक्राफ्ट देश में जो बनते हैं 100 एयरक्राफ्ट में से 75 कर्नाटक में बनते हैं। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने HAL के हेलीकॉप्टर के कारखाने की नींव भी डालने का काम किया है। मित्रों, ये डबल इंजन सरकार ने ये 4 साल के अंदर कर्नाटक को बहुत आगे ले गया है। पहले येदुरप्पा जी को जो कालखंड मिला उसमें जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन हुआ, मैं येदुरप्पा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उस वक्त मैं अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करता था। बेंगलुरु जैसे शहर को कोरोना से बचाना न केवल कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय था, मगर येदुरप्पा जी ने जिस कुशलता के साथ कोरोना का प्रबंधन किया वो काबिले तारीफ है। मैं येदुरप्पा जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। बसवराज जी के आने के बाद येदुरप्पा जी के शुरू किए रास्ते पर ही गुड गवर्नेंस को उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे जो मैंने सारे अचीवमेंट पढ़े ये दोनों महानुभावों के समय में ही मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक ने अचीव किए हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कर्नाटक की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, गत चुनाव में आपने 104 सीटें दे दी मगर थोड़ा आशीर्वाद कम दिया, इसके कारण 1.5 साल बिगड़ गया। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस बार कोई कमी मत छोड़ना, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार कर्नाटक को न केवल देश दुनिया के सभी राज्यों के अंदर बहुत आगे पहुंचाने का फैसला करेगी और पहुंचा कर रहेगी। मित्रों, जब विकास की बात होती है तब ढेर सारी चीजों को गिना सकते हैं, परंतु मैं आपको फिर से एक बार पूरे विकास के रास्ते के साथ साथ मैं आपको अभी अभी एक फैसला जो कर्नाटक सरकार ने दिया है इसके लिए भी क्या बात करना चाहता हूं। मित्रों, इस देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को, रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर कभी नहीं किया, मगर कांग्रेस और उनकी साथ ही सरकारों ने वोट बैंक की लालच में रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर करना चालू किया और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया और समाप्त कर वो 4% रिजर्वेशन को वोकलिगा और लिंगायत की कैटेगरी में डालकर उन्होंने बहुत समय के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी को
संविधान के अनुकूल बनाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज बेंगलुरु में आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि बेंगलुरु के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि सालों से बेंगलुरु के अंदर मेट्रो का काम लड़खड़ा रहा था, आज बेंगलुरु 100 किलोमीटर मेट्रो समाप्त करने वाला शहर बनने जा रहा है और 13,000 करोड़ रुपया बेंगलुरु के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक इश्यू कर चुके हैं। इंटरनल सबअर्बन रेलवे 14,000 करोड़ रुपया दिया और 40 मास के अंदर इसको जमीन पर उतारने का हमने काम किया। इसके साथ साथ एयरपोर्ट का एक्सपांशन किया, इसके साथ ढेर सारे हैदराबाद को जोड़ना हो, मैसूर को जोड़ना हो या चेन्नई को जोड़ना हो, लगभग 70,000 करोड़ रुपया, मेरी बात ध्यान से सुनना, 70,000 करोड़ रुपीस ये 3 शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। मैं आज बड़ी विनम्रता के साथ कांग्रेस के नेताओं को यह भी पूछना चाहता हूं, 2009 से 14 आपकी सरकार थी, कर्नाटक ने आपके क्या दिया? टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांट इन एड के हेड में 2009 से 14 तक 94,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया था भाई? 94,000 करोड़ रुपीस। मोदी जी ने 2014 से 19 ये दो ही हेड में, बाकी सारी ग्रांटों में साइड पर रखता हूं, मेट्रो की, हाईवे की, कोरोना के लिए सारी ग्रांट साइड पर, ये दो ही हेड में 94,000 से बढ़ाकर 94,000 से बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। लगभग 140% की वृद्धि है। इसका जवाब कांग्रेस के मित्र जरा दे दें। ऊपरी भद्रा परियोजना, अपर कृष्णा परियोजना, कालसा बंडूरी योजना, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर रोड, 17,000 करोड़ का बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, 31,000 करोड़ का बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 1941 करोड़ से बेंगलुरु उत्तर ग्रामीण और मंडिया में नेशनल हाईवे 275 का निर्माण। मित्रों, ये सारे काम प्रधानमंत्री जी के चार्ज लेने के बाद, देश के प्रधान सेवक बनने के बाद शुरू हुए हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को कि सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इसका हिसाब किताब लेकर जरा बेंगलोर के चौराहे पे आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हमारा हिसाब लेकर आ जाएगा। मित्रों, विकास वो ही कर सकते हैं जो विकास के लिए कटिबद्ध है। करप्शन को वो ही समाप्त कर सकते हैं जिनके मन में देश का प्रेम है। देश को सुरक्षित वही कर सकते हैं जिनके मन में देश को सुरक्षित करने की ललक है, धगस है। पूरे देश के अंदर, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर पाकिस्तान से आने वाले हमले हो, सबको नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाप्त कर आंतरिक और बाह्य सुरक्षाओं को सुरक्षित किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का काम किया है। मनमोहन सिंह जी 11वें नंबर का अर्थतंत्र दुनिया में हमारा छोड़ कर गए थे, मोदी जी ने 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का सफलता प्राप्त कर दी। और मैं आपको बताता हूं 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम दुनिया के अंदर आगे होंगे और 2027 आते आते दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम बनेंगे। ऐसी ढेर सारी एजेंसियों ने आकलन करा है।
ये विकास का रास्ता अगर प्रगट प्रशस्त करना है।